धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सभी कायदे कानून ताक पर रखकर ब्रह्म सरोवर पर धड़ल्ले से समांतर अनाज मंडी चल रही है। और मजे की बात, चोरी और सीना जोरी की तर्ज पर यहां कुंडी कनेक्शन लगाकर सरेआम बिजली की चोरी धड़ल्ले से होती है। सबसे पहले आप देखें कि ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अधिकृत थानेसर अनाज मंडी है, जहां मंत्री करणदेव काम्बोज दौरा कर किसानों का हाल चाल जान रहे थे। आइए अब आपको ब्रह्म सरोवर पर धड़ल्ले से चल रही समांतर अनाज मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि कायदे से यहां धान की सुखाई, भराई और लदाई नहीं हो सकती, जिसके लिए मंडीकरण बोर्ड की औपचारिकताएं हैं। धान की बोली भी लगती है, लेकिन किसे सूद है? मंडीकरण बोर्ड, जिसकी जिम्मेवारी बनती है कि मंडी में धान गिरे और उसकी बोली लगे, लेकिन वो कुंभकर्णी नींद सोया है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर प्रशासन, जिसके पास अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की फौज है, लेकिन उसके पास समय नहीं, यानी किसे परवाह है। चलो, ये तो हुई चोरी की बात, अब सीना जोरी देखे। यहाँ कुंडी कनेक्शन लगाकर सरेआम बिजली चोरी हो रही है, और बिजली विभाग, जिसकी जिम्मेवारी है, वह सब कुछ जानकर अनजान बना है। अब यहाँ से पवन पुत्र शेलर के लिए गाड़ियों में माल लोड कर रहे लोगों से बात की गई, तो जनाब अनाप शनाप कहने लगे। हरनाम सिंह गाली देकर कहते हैं, मुझे क्या पता किस बहन ने कुंडी लगाई है। वहीं एक अन्य नायब सिंह की भाषा संयमित थी, और उसने कहा कि सरकारी खरीद हुई है और वो माल यानी धान उठा रहे हैं। जब मंत्री करणदेव काम्बोज से इस बारे में पूछा गया, तो जनाब बात को जलेबी की तरह घुमा गए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार धान का भंडारण नहीं करती और सेलर मालिक ऐसा करते हैं।